I'm so sorry I'm so sorry I quickly ran I had a class and uh, I had a class which ended at 6 p.m. so I had to literally run and and this is uh, <laughs> and this is on the you know on the third floor so I was taking a class in the second floor and I had to run and come here so what's up what's up everybody very good evening how are you how are you? are you hi Harvey hello very good evening what's up guys what's up hello hello Harvey hi Varun

एग्जाम हमारा आने ही वाला है बहुत सारे लोगों का जनवरी में एग्जाम है तो बच्चा हमारे पास बिल्कुल जो है एक महीना बचा है एंड दिस इज द राइट टाइम वी हैव टू स्टार्ट स्टडी तो ये नंबर्स मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप और बच्चे को बुला के लेके आए ठीक है ठीके? आप अपने दोस्तों को बुला के लेके आइए क्योंकि मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ ठीक है मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ बच्चा लोग ठीक है तो जल्दी से जाओ और आज जितना हमें फन विद मैग्नेट समझ आएगा और हम लिटरली फन करेंगे इस क्लास में ताकि आप लोग कल परसों के एग्जाम में या फिर जान में जब आपका एग्जाम हो ना तो ऐसा कोई भी टॉपिक ना रहे इस चैप्टर से जो आपको नहीं आता हो ठीक है माय वॉइस इज वेरी लो इज इट चेक 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 नाउ कैन यू हियर मी एक बार आप जरा अपना वो करना वॉइस बढ़ाना क्योंकि मैं तो अपने आप को काफी अच्छे से सुनाई दे सुन पा रही हूं हाय पुष्पराज एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 24 दिसंबर तो बच्चा जल्दी जल्दी से अपने अपने दोस्तों को बुला के लेके आओ आप अपने स्कूल के सारे बच्चों को बुला लो जल्दी से माय वॉइस इज वेरी लो ओके जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट वी आर गेटिंग दैट सॉर्टेड हां गेटिंग दैट सॉर्टेड जस्ट अ मिनट जरा सा रुकना आप बताओ आप सुनाई दे रहा है चेक 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 अभी भी वेरी लो क्या ठीक है स्टिल लो भाई चला गया इस साल की बात कि अगले साल की लो ही है check. Now? अभी भी लो है अब ठीक है अरे यार इससे ज्यादा तो आप क्या ही कर सकते हैं आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग बच्चा <laughs> 10th जनवरी ओके ओके आज ठीक है आप लोग जरा ना एकदम सामने लागे सुन लेना ठीक है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है क्या करूं मैं अब देखो अब सुनाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं इट इज फाइन नो मैम इट्स क्लियर ग्रेट ओके थैंक यू सो मच चलो

हाय हाय ठीक है तो आज हम क्या क्या करने वाले देखो हमारे पास जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं माइंड मैप ठीक है map, मतलब आपको पूरे चैप्टर को मैं एक बार में पढ़ाने वाली हूँ ठीक है पूरा पूरा चैप्टर जो है मैं एक बार में पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को इसके अलावा मैं क्या करने वाली हूँ कि आप लोगों को वीक वेज तो बिल्कुल ही मिल जाएगा ठीक है वीक वेज तो मिलेगा ही मिलेगा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी स्लाइड में है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है जो आपको दो या तीन मार्क्स के मिल जाए मिलते हैं या फिर पांच मार्क्स के जो सवाल होते हैं उनको भी हम पढ़ने वाले और क्लास के खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा आपको जो है इसका पी भी मिल जाएगा तो नोट्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है तो तैयार हो जल्दी से जरा लाला ला लिख दो चैट बॉक्स में

फॉलिंग ठीक है बट इट इज अबाउट द फैक्ट वी हैव टू राइज एवरी टाइम वी फॉल ठीक है हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें उठना भी चाहिए चलो आगे बढ़े आगे बढ़े यस लो वॉइस लो वॉइस वी आर फिक्सिंग इट फिक्सिंग इट आपको नहीं पता है स्टूडियो में क्या चल रहा है <laughs> It's, अब सुनाई दे रहे इज इट फाइन कैन यू ऑल हियर मी या यू कैन ओके यस तो बेसिकली हमारा माइक का जो है ना बैटरी खत्म हो गया था <laughs> हमारी माइक की बैटरी खत्म हो गई थी और इसीलिए साउंड नहीं आ रही थी तो अभी क्लास के बीच में यहां पे दो तीन लोग आए और माइक्रोफोन की बैटरी चेंज कर दी गई है अब आपको सुनाई दे रहा होगा तो चलो दौड़ते दौड़ते पूरा क्लास कंप्लीट करते हैं ठीक है स्प्रिंट एक्स हमारा जो है शुरू हो गया है बच्चा लोग और हम भागने वाले हैं तो यहां आते हैं हम पढ़ते हैं माइंड मैप ठीक है तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चा लोग क्या चैप्टर का हमारा नाम है फन विथ मैग्नेट मतलब चुंबक लेके मजा ठीक है ये समझ लिया चैप्टर का नाम हमें समझ आ गया बेसिकली हमें क्या करना है हमें चुंबक के साथ मजे ठीक ठीक है? 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 तो अब अब पे सबसे पहले what we have to understand is कि भाई होता होता क्या है? What are magnets? क्या चुंबक चुंबक का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा मटीरियल एक ऐसा मटीरियल जो मैग्नेटिक मटीरियल को अट्रैक्ट करता है ठीक है क्या हो जाता है अट्रैक्ट करता है और आप उसको दूर भी रखो दूर भी रखो यू डोंट हैव टू ऑलवेज कीप देम वेरी पास पास है ना दूर भी रखोगे इवन इवन इफ इफ यू कीप इट फार देयर इज सम स्पेस वो अट्रैक्ट करेगा वो क्या करेगा वो अट्रैक्ट करेगा ठीक है और राइट तो यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम्पल नेचुरल मैग्नेट या फिर मैग्नेटाइट ठीक है अब ऐसे भी कोई वस्तु होती है मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स जिनके पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कैपेसिटी होता है जिनके पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कैपेसिटी होता है तो वो क्या करते हैं जैसे ही आप इनको रखोगे वो बोलेंगे कि इतना जगह मेरा इतने जगह में जो भी आएगा उसको मैं अट्रैक्ट कर लूंगा इसके आगे उसके पीछे अगर कोई आए तो उसको उसके साथ में कुछ नहीं करूंगा समझ आ रहा है इतनी बात समझ आ रहा है तो इसका मतलब है अब देखो आप अगर मेरे से बात करोगे तो आपको मेरे से वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना वन हैंड डिस्टेंस अगर अंदर आ गए तो आल बी लाइक अरे अरे इज दिस पर्सन कमिंग सो क्लोज मैं थोड़ा और पीछे चली जाऊंगी ना मैं बोलूंगी कि अरे नहीं नहीं इतना सामने आके थोड़े ना बात करते हैं थोड़ा पीछे जाओ करेक्ट थोड़ा पीछे जाओ तो बेसिकली ये जो वन हैंड डिस्टेंस है दिस इज माई पर्सनल फील्ड ये मेरा है ये मेरा है ये मेरी जगह है इसके अंदर कोई आएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैग्नेट क्या करता है मैग्नेट इसका उल्टा करता है मैग्नेट जैसे देखता है कि ये मेरे फील्ड में आ गया तो क् करके उसको अट्रैक्ट कर लेता है इतना समझ आ गया बच्चा लोग इतना समझ आ गया ग्रेट अब चलो यहां से देखो हम समझ आते हैं, हम हम जलते हैं मैग्नेट के पोल्स के पास अब कोई भी मैग्नेट आप ले लो ठीक है कोई भी मैग्नेट आप ले लो हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं ठीक है हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं एक होता है उसका सर एक होता है उसका पाओ अब जैसे हम भी इंसान होते हैं ना यार हमारा भी एक सर है पाव है हमारा भी एक सर है दो पाओं है है ना अब अगर किसी का पाओ नहीं होता तो उसको चलने में मुश्किल होती नहीं चल पाएगा किसी का सर नहीं होता तो वो जी नहीं पाएगा है कि नहीं किसी का सर नहीं होगा तो वो जी नहीं पाएगा ठीक कुछ इसी तरह ये जो मैग्नेट है इसका भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होना जरूरी है

या जैसे आप मेरे क्लास में आओगे आप मेरे क्लास में आओगे या फिर आपको अगर बताना है अपने दोस्तों को जाके कि यार यार चलना चलना नवमिता मैम की क्लास में चलते तो नवमिता मैम के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना आपको हाँ आपको नवमिता मैम के नवमिता मैम के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा बिना बताए आपके दोस्त ऐसे थोड़ी आ जाएंगे वो बोलेंगे अरे कौन नवमिता हमने जानता हम नहीं आ रहे राइट

फिर टीचर कहा एग्जाम में थोड़ी मार्क्स दे पाएगा नहीं दे पाएगा ना तो बस हमें भी पढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी ठीक है तो चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हमने पढ़ लिया कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है करेक्ट इतना हमने पढ़ लिया इतना हमने जान लिया ठीक है ये हमारे दिमाग में एकदम सेट है अब हम इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि एक मैग्नेट को जो है अगर आप उसे हीट कर दो गर्म कर दो गर्मी मैग्नेट को अगर आप गर्म कर दो तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है इसका मतलब है कि देखो नवमिता मैम इज ऑल्सो वेरी फनी नवमिता मैम ऑल्सो राइट एंड नवमिता मैम के क्लास में डाउट्स इज द स्टूडेंट्स स्टूडेंट लेकिन अगर कोई बच्चा आके यहाँ पे मेरे को गाली दे तो मैं क्या हो जाती हूँ मैं हो जाती हूँ गुस्से से लाल तो मेरी प्रॉपर्टी तो चली गई मेरी भी प्रॉपर्टी गई ना आप ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे पोक करते रहोगे तो मेरी भी प्रॉपर्टी चली जाती ठीक इसी तरह मैग्नेट के साथ अगर आप उसको बार 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 उसको पोक करते रहोगे उसको गर्म करते रहोगे उसको हथौड़े से यूं 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 करके मारोगे या फिर उसको ऊपर से फेंक दोगे तो वो बोलेगा कि भाई तूने मेरी इज्जत ही नहीं की तो मैं तो जा रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के समझ आ रहा है मैग्नेट बोलेगा कि तू मेरे को इज्जत करते हुए नहीं दिख रहा और इज्जत नहीं करेगा तो फिर तो मैं नहीं रहूंगा समझा जैसे की, जैसे कि 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 अभी मैंने क्या बोला था कि एक बच्चा अगर मेरे को आके गाली दे दे तो मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे को गुस्सा आ जाता है क्यों क्योंकि वो बच्चा मेरी इज्जत नहीं कर रहा है ना आप इज्जत करो मैं बहुत फन हूँ मेरे को बहुत पसंद है मेरे को बच्चे आप लोग बहुत पसंद हो है ना वालेकुम वालकोम असला बच्चा जरा यहाँ पे ध्यान दो ठीक है तो ये समझ आ रहा है तो जैसे जैसे जब आप मैग्नेट को इज्जत नहीं करोगे या तो उसे हथौड़े से मारोगे या तो उसे आप हीट कर दोगे गर्म कर दोगे या तो उसे आप हाइट से ड्रॉप कर दोगे तो मैग्नेट बोलेगा भाई मेरी इज्जत नहीं करी तो अच्छा चलता हूं में याद रखना वो निकल जाएगा है ना ये समझ आ गया ये भी सबके दिमाग में फिट है आ गया समझ सब लोगों को तो ग्रेट आगे बढ़ते हैं अब देखो अगर आपको मैग्नेट का डायरेक्शन जानना है ठीक है मान लो कि आपको किसी ने बताया नहीं कि मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल साउथ तो आपको कैसे पता चलेगा है? हमको थोड़े ना जानते है कि वर्तमान बदलिंग बता मेरे को नॉर्थ पोल कौन सा है ये थोड़े ना जानते हैं हम वी डू नॉट नो दैट सो हाउ डू वी फाइंड आउट विच वन इज नॉर्थ पोल इज साउथ मैजिक अः हमें एक मैजिक पता है एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें पता है पता है वो छोटी सी ट्रिक है चलो मैं बताती हूं हमें क्या करना है हमें जो है मैग्नेट को बेसिकली ना यू इस तरह से एक धागे से बांध के उसे लटका देना है ठीक है वायर है छोटा सा तो इसको क्या करना है मेरे को मेरे को जो है इसको इस तरह से बांध के ठीक है इस तरह से करके मैं इसको यहां पे लटका देती हूँ ऐसे ठीक है जब मैं इसको इस तरह से लटका दूंगी ठीक है जब मैं इसको इस तरह से लटका दूंगी तो ये मैग्नेट क्या करेगा ये इस तरह से हिलते 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 ना एक डिरेक्शन पे आएगा ठीक है एक डायरेक्शन पे आएगा हर बार ना वो क्या करेगा वो इसी डायरेक्शन पे आएगा ठीक है हर बार वो इसी डायरेक्शन पे आएगा और जब हर बार वो इसी डायरेक्शन पे आएगा तब हमें समझ लेना है कि आ दिस इज द नॉर्थ पोल मैग्नेट बता रहा है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट बता रहा है कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो बस हमारा काम ही खत्म इतने से जादू में हमें सब पता चल गया इतने से जादू में हमें सब पता चल गया कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ये मैग्नेट का साउथ पोल है ठीक है ऑलराइट समझ आ गया कि मैग्नेट का हमें कैसे वो पता करना है तो बेसिकली ये जो अंग्रेजी में लिखना होता है अब अब आप, आप जाओगे अब आप, आप जाओगे एग्जाम में तो एग्जाम में आपको क्या करना होगा एग्जाम में आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश ये सीख लो बच्चा हमने मैंने अभी क्या बोला कि हमें धागा से बांध के उसे लटका लेना है इसको एक सुंदर भाषा में लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में जाके अगर हम ये लिखेंगे कि धागे से बांध के लटका देगा टीचर बोलेगा उफो, ये क्या लिख लिया ये क्या लिख लिया बोलेंगे ना टीचर तो हमें जरा सुंदर से लिखना होगा सुंदर से क्या लिखना है सुंदर से हम लिखेंगे फ्रीली सस्पेंडेड इसका मतलब है लटका दिया इसका मतलब है धागे से बांध के लटका दिया समझ आ रहा है फ्रीली सस्पेंडेड मतलब धागे से पकड़ के लटका दिया तो वो क्या करेगा वो बार 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 आपको पोल दिखा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जरा ये मैग्नेटिक मटीरियल क्या होता है भाई हाँ वॉट आर दिस मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिक मटीरियल क्या होता है मैग्नेटिक मटीरियल देखो अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि ये यंग वंडर्स कौन है बताओ हाँ आर दिस यंग वंडर आप क्या बोलोगे कि मैम वेदांतु का एक चैनल है वेदांतु यंग वंडर्स उस चैनल पर कुछ अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं जैसे कि सना मैम हो गया नवमिता मैम हो गई मोहन सर हो गए सुरभि मैम हो गए हरिप्रिया मैम हो गए तो उस चैनल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम यंग वंडर्स बुलाते हैं है ना है कि नहीं ये आपकी प्रॉपर्टी ये आपकी प्रॉपर्टी करेक्ट है ना तो ठीक इसी तरह बच्चा मैग्नेटिक मटेरियल कौन है मैग्नेटिक मटेरियल वो है जो मैग्नेट से आकर्षित होते हैं। मतलब आप एक मैग्नेट को रखोगे और कोई भी चीज जो मैग्नेट से आके करके आके चिपक जाए वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स देख लो बच्चा आयरन लोहा हम सबको पता है ना कि लोहा इज मैग्नेटिक है कि नहीं लायन मीन हम सबको पता है कि लोहा मैग्नेटिक है निकल निकल करके एक और एलिमेंट आता है ठीक है मेटल धातु है धातु 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 ठीक है तो ये जो धातु समझते हो मेटल लोहा इज अ मेटल सोना इज अ मेटल निकल इज ऑल्सो मेटल तो आयन निकल ये जो है ये आपके हो जाते हैं मैग्नेटिक ठीक है magnetic, ये आपके हो जाते हैं मैग्नेटिक समझा ठीक है और राइट वॉट इज निकल निकल इज एन एलिमेंट इट्स मेटल इट्स मेटल ठीक है

भैया नॉन मैग्नेटिक मटीरियल क्या है ये नॉन मैग्नेटिक मटीरियल स्टील इज ऑल्सो यस स्टील इज ऑल्सो मैग्नेटिक ठीक है अच्छा आप बताओ कि नॉन यंग नॉन वेदांतो स्टूडेंट्स कौन होंगे नॉन वेदांतो स्टूडेंट्स जो वेदांतों से नहीं पढ़ते वो 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 हो जाएंगे ना नॉन वेदांतो स्टूडेंट्स तो ठीक इसी तरह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो है जो मैग्नेट से आकर्षित नहीं होते हैं तो बेसिकली आपका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक रबर ठीक है ग्लास ये सारी चीजें जो है ना ये सारी चीजें जो है ठीक है ये सारी चीजें आपके नॉन मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाती ठीक है ऑलराइट ठीक है ये सारी चीजें क्या हो जाती है ये सारी चीजें आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाती है समझ गई समझ गया समझ गया सबको समझ गया कहना क्या कह ला जल्दी से जरा लाला बता दो जल्दी से जल्दी से लाला ला ला बता दो तब तक जरा मैं पानी पी लू मैं हाफ रही हूं अभी भी सांस नहीं ले पाई हाय अवेर हाय वेरी गुड ऑल राइट right. आगे बढ़े फिर आगे बढ़े चलो ओके okay. अब हमें पढ़ना है देखो कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ठीक है कुछ और प्रॉपर्टीज देखो हमें पता है मैग्नेटिक पोल्स के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब हमें पता है कि दो मैग्नेट्स को अगर आप सामने लेके आओगे दो मैग्नेट्स को अगर आप सामने लेके आओगे तो पता क्या होगा पता क्या होगा तो क्या होगा उनके जो सेम सेम वाले पोल है ना सेम सेम वाले जो पोल है, है ना मतलब नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल साउथ पोल ये इनको आप जैसे ही सामने लेके आओगे वो बोलेंगे कि नहीं वो वापस चिप करके चले जाएंगे उनको आप फिर सामने लेके आओगे बोलेंगे नहीं वो चले जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दूर भागना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दूर भागना। अब दूर भागना थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में एग्जाम में क्या लिखेंगे हम अगेन इसके लिए हमें एक अच्छा सा सुंदर सा शब्द चाहिए ना वी नीड अ नाइस वर्ड व्हाट इज वैट नाइस वर्ड दैट नाइस वर्ड माय डियर स्टूडेंट इज रेपल ठीक है यहां पे लिख लेते ये देखो ये लिखा हुआ है बच्चा ये देखो लिखा हुआ है रेपेल ठीक है आर -E ई ई -E एल <coughs> गर्वित आपने अभी तक बताया नहीं आपका क्या डाउट है बताओ तो यही तो हूं ठीक है और जो अनलाइक पोल्स होते ना यस yes, जो पोल्स होते हैं, मतलब पोल, पोल, ये बोलेंगे कि और के बाद ठीक ठीक है? है? वो 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 क्या करेंगे? आके आके मिल जाएंगे, बताती एक दूसरे से चिपक जाएंगे ठीक है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अट्रैक्शन होती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की अट्रैक्शन होती है लेकिन नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल बोलेंगे बड़ा आया मेरे जैसा बनने के लिए ऐसा होता है ना होता है कि नहीं आपने क्लास में भी देखा होगा कि आपके क्लास में एक टॉपर है और उसी टॉपर के साथ एक दूसरा भी टॉपर निकल गया तो वो टॉपर टॉपर में जमता नहीं है वो बोलेंगे कि न, बड़ा टॉपर बनने के लिए ये भी सौ में सौ मार्क्स लाएगा हाँ। उन की दोस्ती नहीं होती दोस्ती नहीं होती लेकिन क्लास में एक बदमाश बच्चा और क्लास में एक टॉपर ये बोलेंगे कि अरे मैं पढ़ाई में अच्छा हूं तू पढ़ता नहीं है आ जा तू मेरे साथ बैठ तेरे भी मार्क्स अच्छे आएंगे है ना ऑपोजिट ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है क्योंकि जो बदमाश बच्चा होता है वो अच्छे वाले को बदमाशी सिखाता है और जो अच्छा बच्चा होता है वो कहता है आज मैं तेरे को थोड़ा पढ़ा दूं समझ आ रहा है समझ आ रहा है यहाँ पे लेकिन दो टॉपर्स अगर एक साथ आ गए कि मेरी एक ही जैसा मार्क्स लाएंगे मैंने बनना करेगा है ना तो ठीक इसी तरह ठीक इसी तरह यहाँ पे भी सेम सेम पोल्स रिपल्शन टू डिफरेंट पोल्स Attraction. Alright? <laughs> oh Rashmi, that must be an exception. Okay, that must be an exception. We are not talking about exception. Exceptions are mostly in chemistry today. We are talking about physics. So in physics, we are not talking about any exceptions. Alright, yes, thank you so much, Harvey. Thank you so much. And hey Kripa, my old old students, but I can see you. Hello, hello, hello. <laughs> hello, hello. Since I was teaching, that's why I couldn't take your name. Anyway, alright. Moving on, moving on, moving on. Okay. इट मैच फॉर यू गिव गिव मी मी हाई हाई फाइव फाइव अमेजिंग आगे बढ़ते ठीक तो तो ला 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 दिख जाए चलो ठीक है ओके अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताऊं तो देखो मैग्नेटिक पोल्स वगैरह तो हम समझ गए है ना मैग्नेटिक पोल्स वगैरह हम समझ गए अब अगर मैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैग्नेट का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पे होता है अच्छा देखो मैं ना आज कर, मैं जाती हूं फाइट करने के लिए ठीक है मैं एक्चुअली मैं जाती हूं मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए अब आप अगर मेरे से बोलोगे अब आप, आप पूछोगे ना कि अच्छा नबिता मैम किक मारना आता है मैं बोलूंगी हाँ आता है पंच मारना आता है मैं बोलूंगी हाँ आता है अब आप पूछोगे कौन सा बेटर आता है कौन सा बेटर आता है तो मेरे को एक तो सोचना पड़ेगा दोनों तो स्ट्रांग नहीं है मेरा पंच और मेरा किक किक तो मैं उठा नहीं पाऊंगी खैर इतना ऊपर नहीं चढ़ेगा बट मेरा पंच और मेरे किक में से कौन सा स्ट्रांग है आप पूछ लोगे ऐसा तो एक ही स्ट्रांग हो पाएगा ना तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरा ना पंच थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है किक ने इतना स्ट्रांग हो पाया तो ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट बनाती हूं मान लो ये एक मैग्नेट है ठीक है मान लो ये एक मैग्नेट है इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो स्ट्रेंथ क्या यहां पे सबसे ज्यादा होती है या यहां पे सबसे ज्यादा होती है एक्चुअली में यहां पे सबसे ज्यादा होती है और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेटिवली आया है बच्चा इसका ध्यान रख लो द मैग्नेट्स आर द स्ट्रॉगेस्ट एट देयर पोल्स राइट डाउन द मैग्नेट्स आर द strongest एट their पोल्स एंड नॉट एट द मिडल all right why अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्यों भाई ऐसा क्यों है कि मैग्नेट पोल्स के पास ही ज्यादा स्ट्रांग है पहले क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है बीच में क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है चलो ये भी समझा देती हूँ ठीक है चलो ये भी समझा देती हूँ देखो एक मैंने बनाया मैग्नेट ये ठीक है ये आपका बना मैग्नेट ये रहा नॉर्थ ये रहा साउथ अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना फील्ड लाइंस फील्ड की लाइन होती है ये देखो ये मेरा पर्सनल स्पेस है तो ये क्या है ये मेरा फील्ड लाइन है ये जो मैं हाथ से कर रही हूं इसको आप मान लो मेरी फील्ड लाइन है ये ठीक है ये मेरी फील्ड लाइन है इसके अंदर कोई नहीं आ सकता है ना लेकिन मैग्नेट का उल्टा है मैग्नेट उसके अंदर ही बुलाता है कि आजा आजा मेरे फील्ड लाइन में आजा फील्ड लाइन में आजा तो इसको जरा हम फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं चलो ठीक है फील्ड लाइन को जरा हम ड्रॉ करते हैं ठीक है ये देखो फील्ड लाइन ड्रॉ किया मैंने ठीक है ये देखो मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर रही हूं अब ये डायग्राम देख के बताओ कि फील्ड लाइन

हैप्पी बर्थडे अविरल हैप्पी बर्थडे तो यहां पे आंसर लिख लेते ठीक है पोल्स हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज वेर एज वेर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस Magnetic field lines are far away in the middle. That is why poles have stronger. मैग्नेटिक फील्ड गॉट इट ये आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ठीक है ऑल राइट एवरीबडी समझ आ गया ठीक है समझ आ गया अब आपको पता है क्या मैग्नेट इतने में खत्म नहीं होता ठीक है मैग्नेट के ना अलग अलग शेप्स भी होती है ठीक है मैग्नेट के अलग अलग शेप भी होता है क्या क्या शेप होता है मैग्नेट का बच्चा तो एक होता है मैग्नेट का ये इस तरह से एक शेप होता है इसको बोलते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट क्या बोलते हैं इसको बॉल एंडेड मैग्नेट ठीक है फिर एक होता है इस तरह से ये देखो ये इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट ठीक है इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट, ठीक है फिर एक होता है ऐसा ठीक है इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है और एक आपका होता है और और क्या था बच्चा और क्या था किसी को पता है हॉर्श शू मैग्नेट बार मैग्नेट एक और कुछ था एक आ, रिंग एक और होता है ऐसा रिंग जैसा या डिस्क ठीक है एक और होता है ये डिस्क या रिंग मैग्नेट ठीक है तो ये चार तरीके के आपके मैग्नेट हो गए ठीक है सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होता है एक्चुअली ठीक है आपके कोर्स में ना शायद सिलेंड्रिकल मैग्नेटर को आपके कोर्स में हाँ आपके कोर्स में सिलेंड्रिकल मैग्नेटर रिंग नहीं है चलो तो सिलेंड्रिकल बना देती हूँ सिलेंड्रिकल हो गया ठीक है ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट ठीक है तो ये चार तरीके के मैग्नेट जो है आपके पास होते हैं वट इज बार मैग्नेट बार मैग्नेट जो ऐसे होते हैं ना बच्चा नॉर्मल जो बार जैसे होते हैं बस जो एक रेक्टेंगुलर होता है ना वो बार मैग्नेट होता है ठीक yes, है अनन्या अनन्यास वो बार मैग्नेट होता है बेल एंडेड नहीं बच्चा बॉल एंडेड बॉल बॉल एंडेड एंडेड मैग्नेट ठीक है ये भी नहीं है बट चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया ठीक है बार मैग्नेट अनन्या अभी बताया अभी बताया जो एक रेक्टेंगुलर का होता है ना ये जो इतने देर से जो मैंने बनाया ये 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 ट ठीक है दिस इज बार मैग्नेट ओवल शेप वगैरह को बार मैग्नेट ही आप मान सकते हो ठीक है ओवल शेप वगैरह को आप बार मैग्नेट ही मान सकते हो सिलेंड्रिकल मैग्नेट बच्चा ये सारे मैग्नेट ही है बस इनके शेप ऐसे हैं ठीक है थीके? बस इनके शेप ऐसे हैं सिलेंड्रिकल इज नॉट सोलेनॉड सोलेनॉइड में बार मैग्नेट होता है उसके ऊपर आप तार घुमाते हो दैट

मैग्नेटिक नीडल होती है मतलब मैग्नेट की एक सुई होती है जो हिलते हिलते आपको बताती कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ पोल का अब बहुत बार क्या होता है कि कॉम्पास को आप यूज करते 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 उसको आपने ठीक से रखा नहीं उसको आपने गिरा दिया कहीं पे है ना वो गिर गया आपके हाथ से बार बार जब ऐसे बार 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 बार, बार गिरता रहता है या फिर आपने उसकी ध्यान नहीं रखी अच्छे से तो क्या हो जाता है वो मैग्नेट खराब हो जाता है और क्योंकि जब वो मैग्नेट खराब हो जाता है वो वीक हो जाता है इन नेचर तो उससे क्या होता है कि फिर वो डायरेक्शन दिखा नहीं पाता है ठीक है फिर वो डायरेक्शन दिखा नहीं पाता है तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड गर्विथ व्हाट्स योर आंसर बच्चा सिलिंड्रिकल मैग्नेट ना बच्चा सिलेंडर जैसा दिखने में होता है ठीक है बस एक सिलेंडर जैसा दिखने में होता है होता मैग्नेट ही है सेम होता है सेम काम करता है बट बस एक सिलेंडर जैसा दिखने में होता है ठीक है तो ये पूरा जो है फन विद चैप्टर मैंने पढ़ा दिया अभी आप लोगों को ठीक है पूरा मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा दिया अब चलो हम क्वेश्चन करें गेमिंग ब्लॉगर्स आई जस्ट आंसर डॉ क्वेश्चन बचा जस्ट आंसर दिया क्वेश्चन आपने सुना नहीं अभी अभी आंसर क्या ठीक है ना चलो थैंक यू गर्वी थैंक यू ये दैट इज हाउ योर कॉम्पस दे एक्चुअली डू दिट ठीक है रेयर अर्थ मैग्नेट्स रेयर अर्थ मैग्नेट्स आल टेल यू अबाउट दैट लोड स्टोन लोडस्टोन आर नेचुरल मैग्नेट्स ठीक है नेचुरल मैग्नेट्स नेचुरल जो मैग्नेटिक पत्थर होते हैं ना उनको हम लोडस्टोन बोलते हैं अन्य ठीक है चलो आगे बढ़ते हुए देखो वॉट आर पोल्स वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड इर्शाद नॉट टूडे नॉट टूडे ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द कंपाउंड ऑफ आयन कंटेंट इन लोडस्टोन देखो रूही आपका सवाल आ आपका सवाल आ आ गया गया रूही आपका द कंपाउंड ऑफ आयन इज द कंपाउंड ऑफ आयन कंटेंट इन लोडस्टोन इज आयन ऑक्साइड और मैग्नेटाइड क्या है आयन ऑक्साइड और मैग्नेटाइड ये सवाल भी मैंने बहुत सारे एग्जाम पेपर में देखा है बहुत सारे मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल के एग्जाम सैंपल पेपर में ये देखा, ये ये एग्जाम देखा देखा है क्वेश्चन ठीक है इसके अलावा मैंने डीपीएस के स्कूल में भी ये वाला एग्जाम देखा है ये वाला क्वेश्चन देखा है तो ये प्लीज ध्यान दे देना ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अरे पढ़ाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सृष्टि बताती हूं चलो हाउ कैन यू सेपरेट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर हा एक मिक्सचर से मैग्नेटिक को कैसे कैसे कर, हटाओगे? तो बहुत बहुत ही ही आसान आसान है, आसान है। बस मैग्नेट लाना है करना है। जो भी चीजें मैग्नेटिक है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी जो चीजें नहीं है उनको आप हटा दो ठीक है इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं बाय यूजिंग अ बार द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम ठीक है अभी नहीं पढ़ना है

दिस कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम ठीक है ये मैंने ऑलमोस्ट हर एक साल हर एक क्वेश्चन पेपर में दिखा है कि कैसे एक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट में बदल सकते हैं थैंक यू सो मच ऋतिक थैंक यू सो मच चलो मेकिंग अ मैग्नेट टेक एन आयरन स्ट्रिप एंड अ प्लेस इट ऑन द टेबल नाउ टेक अ बार मैगनेट एंड प्लेस वन ऑफ द पोल नियर ऑन द एच एंड देन जस्ट रब इट ठीक है Just rub it without lifting it or moving. Uh, lifting it, just move it along. Okay, just move it along the length of the iron strip till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of strip from where you begin. This is you. Okay, from where you begin. Okay, all right. Okay. okay.

तो द नीडल कैन रोटेट फ्रीली कॉम्पास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट द कॉम्पास इज केप्ट एट द प्लेस वेर यू वी वॉन्ट टू नो द डायरेक्शन ठीक है ऑल राइट ओके तो ये आंसर आप लिख लेना कैन यू आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट ये भी बहुत बार आया हुआ है ये भी बहुत बार आया हुआ है सृष्टि बच्चा पढ़ा दिया है प्लीज एक बार शुरू से देख लेना अभी जो है बच्चे बोर हो जाएंगे ठीक है तो आप एक बार शुरू से देख लेना मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी मैंने पढ़ा दिया है ठीक है और कैन वी आइसोलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये हर बार आया है ठीक है गिव रीजन नो वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते मैंने बार बार बोला है कि ये जो है ये जो है इम्पॉसिबल है ये इम्पॉसिबल है यार आप लोग एक ही सवाल बार बार पूछते रहते हो ये लिख लो है ना लोड स्टोन मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट सेम चीज है ठीक है नेचुरल मैग्नेट ठीक है ऑल राइट बोल दिया हुआ है मैंने तीन चार बार ठीक है वॉट आर द वेज बाय विच अ मैग्नेट कैन बी डी मैग्नेटाइज एक मैग्नेट magnet के मैग्नेटिज्म को कैसे हटा दे थ्रोइंग और ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट हीटिंग द मैग्नेट उसको पत्थर मारना बार 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 या फिर उसको अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो वो मैग्नेट जो है वो खराब हो जाएगी ठीक है और राइट यस एग्जैक्टली तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया देखो मैग्नेटाइट इज अचुरल मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्ट मटीरियल्स लाइक आय निकल कोबाल मैगनेटिकलरियलनेट आर कॉल नॉन मैग्नेटिकनेट टू मैग्नेटिक्स नॉर्थ एंड साउथ मैगनेट इन नॉर्थ एंड साउट डरेक्शन सबके लिए इतना सबके लिए काफी है तो चलो आज का वीक ज्वाइन कर ले अब हम जाके वी क्विज लिंक ज्वाइन कर ले बच्चा लोग वी क्विज का लिंक ज्वाइन कर लेते हैं चलो 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 uh, अरे 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 उप्स आज का वीकवेज का लिंक काम नहीं कर रहा ओ माय गॉड ओ माय गॉड वीक्वेज का लिंक आज का काम नहीं कर रहा क्या चलो दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना उप्स आई एम सो सॉरी वीक लिंक काम नहीं कर रहा है बच्चा यू कैन ज्वाइन बट द प्रॉब्लम इज प्रॉब का लिंक ही नहीं काम कर रहा अच्छा ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं दो वीक्विज ले लेती हूँ ठीक है लिंक नहीं दे रहा है ना मेरे मेरे उससे वो ओपन भी नहीं हो रहा आप देख सकते हो लेट मी शो यू ये लेखो वीक्वेज जो है काम नहीं कर रहा इट्स मेरे अकाउंट से बना है लेकिन इसमें फिर भी लिखा है मेरे अकाउंट से बना है लेकिन फिर भी लिखा है कि वेटिंग फॉर टीचर टू स्टार्ट द क्विज वेटिंग फॉर टीचर टू स्टार्ट द क्विज लिखा हुआ है नहीं चल रहा बच्चा नहीं चल रहा क्या करूं चल नहीं रहा है <laughs> तो ऐसा करते हैं अगले क्लास में लेट मी टेक ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है फन विथ मैग्नेट्स का मैम इट्स वर्किंग वेयर इज इट वर्किंग वेयर इज इट वर्किंग इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी इट्स नॉट वर्किंग इट्स नॉट वर्किंग कहां काम कर रहा है गाइज इट्स नॉट वर्किंग बाबा इट्स नॉट वर्किंग या इट्स नॉट वर्किंग तो ऐसा करते हैं अगले सेशन में आई टेक ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है यस yes, अगले क्लास में आई विल टेक ट्वेंटी क्वेश्चन डोंट वरी जैनब यू डू नॉट हैव इट इन योर सिलेबस रेयर अर्थ मैग्नेट्स तो प्लीज स्टॉप इट क्लास सिक्स में नहीं है क्लास सिक्स में नहीं है रेयर अर्थ मैग्नेट्स आई डो नॉट नो वाई यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन यू डोंट हैव टू स्टडी इट ठीक है यू डोंट हैव टू स्टडी इट ठीक है नहीं काम कर रहा बच्चा आई एम रियली सॉरी कोई बात नहीं हम अगले क्लास में ट्वेंटी क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है येस इट्स प्रॉबेबली इट इन अ डिफरेंट अकाउंट प्लीज टेक ओरल क्वेश्चन इवन आई डो नॉट नो वॉट टू आस्क यू कोई बात नहीं अगले क्लास में हम ट्वेंटी क्वेश्चन कर लेंगे टेन इसका और टेन अगले चैप्टर का ठीक है आई प्रोमिस आई टेक अनादर क्वेश्चन आई प्रोमिस आई टेक अनादर क्विज एंड आई विल सॉल्व दिस एक और दिन एक्स्ट्रा सेशन लेके आपका ये करवा दूंगी ठीक है पीडीएफ राइट अवे अभी के अभी मैं पीडीएफ भेज रही हूं टेलीग्राम चैनल में तो ये जरूर देख लेना ये जरूर देख लेना ठीक है चलो बाय बाय सी यू एवरीबॉडी सी यू हैव अ नाइस डे बाय